आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के मैथ का पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसका प्रश्नावली 7.1, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म को बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला का पहला नंबर क्वेश्चन में युग्म दिया हुआ है जिसके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना कि ए 2 और 3 तथा बी 4 और 1। अब इसको निकालने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, लिखेंगे चूँकि दूरी सूत्र, यानी ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 - x1² + y2 - y1² अब ये जो a 2 और 3 माने हैं, ये x1 हो जाएगा और 3 y1 हो जाएगा, तथा b में 4 x2 और 1 y2। x2 कितना है, 4 - x1 कितना है, 2 + y2 - y1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 1 - y1, y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 होगा, और -2 का स्क्वायर 4 होगा। चार और चार को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। 8 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 आएगा, तो 2 × 1 = 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक युग्म दिया हुआ है -5 और 7 तथा दूसरा है -1 और 3। मान लेंगे कि -5 और 7 ए है, माना कि ए -5 और 7 है, तथा -1 और 3 को भी मान लेंगे। अब दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, लिखेंगे चूँकि दूरी सूत्र बराबर, यहाँ ए और बी माने तो लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर रूट अंडर x2 - x1² प्लस y2 - y1² अब इस फॉर्मूला पर रखेंगे, x2 कितना है, b - 1 - x1, x1 कितना है, -5 प्लस y2 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 - y1 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। अब -1 और -, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से -7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4।
माइनस एक में से प्लस पाँच घटाएंगे तो चार आ जाएगा, चार का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर। यहाँ पे चार का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सोलह प्लस और माइनस चार का स्क्वायर करेंगे तो भी सोलह ही होगा। सोलह और सोलह को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बत्तीस। अब बत्तीस को तोड़ेंगे, सोलह दो से फिर आठ, कितना आया, पाँच को दो आया, दो गुने दो गो पर एक गो बाहर निकल जाएगा तो कितना, दो गो दो निकलेगा, दो गुने दो और एक दो रूट में बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, चार रूट दो। अब इसी का तीसरा नंबर क्या है, मान लेंगे कि माना कि ए दिया हुआ है, ए और बी तथा बी माइनस ए तथा माइनस बी। अब इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि ए भी बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू कितना है, माइनस ए माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है, ए माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है, माइनस बी माइनस वाई वन बी का होल स्क्वायर। माइनस ए माइनस ए को जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस टू ए, माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी को जोड़ेंगे तो माइनस टू बी का होल स्क्वायर। माइनस टू ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, चार ए स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का स्क्वायर तो चार बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना चार है, दो गो चार है तो दो गो पे एगो निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो गो चार न है तो दो गो पे एक नहीं निकले, चल आगे बाद में। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु दिया हुआ है जीरो और जीरो तथा छत्तीस और पंद्रह, माना कि बिंदु ए जीरो और जीरो है तथा बी छत्तीस और पंद्रह है तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें भी दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, चूंकि ए भी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर।
एक्स टू कितना है? 36 माइनस एक्स वन जीरो प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू 15 है माइनस वाई वन जीरो का होल स्क्वायर। छत्तीस में से जीरो घटाएंगे तो 36 ही होगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 प्लस 15 में से माइनस जीरो घटाएंगे तो 15 ही होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे पंद्रह सौ इक्कीस आ जाएगा। तो निकाल लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बिंदु दिया हुआ है एक और पाँच, दो और तीन तथा माइनस दो और माइनस ग्यारह, इसको दिखाना है कि संरेखीय है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि कोई बिंदु संरेखीय कब होता है, जबकि जब उसकी दो भुजाओं का योगफल दूसरे तीसरे भुजा के योगफल के बराबर होता है तो बिंदु संरेखीय होती है। एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लेंगे ए बी सी, इसको ए मान लेंगे एक और पाँच, बी दो और तीन तथा सी माइनस दो और माइनस ग्यारह। अब इस तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे बारी बारी से। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि ए बी बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, बी एक्स टू और वाई टू है तथा ए एक्स वन तथा वाई वन है। एक्स टू कितना है? दो, दो माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है? एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है? तीन माइनस वाई वन, वाई वन पाँच है का होल स्क्वायर। अब दो में से एक घटाएंगे तो कितना होगा? एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा प्लस तीन में से पाँच घटाएंगे तो माइनस दो, और माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो चार ही होगा। कितना आ जाएगा? रूट पाँच। अब दूसरी भुजा का यानी बी सी का आप बीच की दूरी निकाल लेंगे, कहेंगे चूँकि बी सी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर बी और सी में। अब बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा और सी एक्स टू वाई टू हो जाएगा, तो एक्स टू कितना है? माइनस दो, माइनस दो माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना हो जाएगा? दो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू कितना हो जाएगा? माइनस ग्यारह माइनस वाई टू तीन का होल स्क्वायर।
माइनस दो और माइनस दो को जोड़ेंगे तो माइनस चार आ जाएगा, और माइनस चार का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस माइनस 11 और माइनस तीन को जोड़ेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, और माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो रूट 212 आ जाएगा। अब एसी के बीच का दूरी निकालेंगे। एसी एक कितना है, एक और पाँच, और सी माइनस दो और माइनस 11। और सी यानी सी एक्स वन और वाई वन हो गया तथा ए एक्स टू और वाई टू हो जाएगा। एक्स वन कितना है, माइनस दो, और एक्स वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर माइनस 11 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस 2 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 प्लस माइनस 11 और माइनस 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। 256 और 9 को जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा, रूट 265। अब देखेंगे कि ए बी और बी सी को जोड़कर देखेंगे, ए बी कितना है, रूट 5, और बी सी 212। रूट 5 और रूट 212 को जोड़ें तो 217 आ जाएगा, और ए सी 265 है, यानी ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं, यानी ये बिंदुए संरेखी नहीं है। लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, अतः यह बिंदुए संरेखी नहीं है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, बिंदुए दिया हुआ है, बिंदुए दिया हुआ है 5 और माइनस 2 तथा 6 और 4 तथा एक और बिंदु 7 तथा माइनस 2 दिया हुआ है। अब इसको दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। एक त्रिभुज मान लेंगे ए बी सी, पाँच और माइनस 2 को ए मान लेंगे, 6 और 4 को बी तथा 7 और माइनस 2 को सी मान लेंगे। दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। यदि इस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा बराबर होगा तो यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। तीनों भुजाओं के बीच की दूरी बारी बारी से निकालेंगे। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, चूँकि ए बी बराबर
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ए एक्स वन और वाई वन हो जाएगा तथा बी एक्स टू और वाई टू हो जाएगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू कितना है छः, छः माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स वन कितना है पाँच का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू चार और वाई वन माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, छः में से पाँच घटाएंगे तो एक आएगा और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस चार प्लस दो को जोड़ेंगे तो छः और छः का स्क्वायर करेंगे तो छत्तीस, कितना हो जाएगा रूट सैंतीस। अब बी सी का मान निकालेंगे, चूँकि बी सी बराबर अब बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा सी एक्स टू वाई टू हो जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है सात माइनस वाई वन छः का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है माइनस दो और वाई वन चार का होल स्क्वायर। सात में से छः घटाएंगे तो कितना आएगा एक, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस माइनस दो और माइनस चार को जोड़ेंगे तो माइनस छः, माइनस छः का स्क्वायर करेंगे तो छत्तीस आएगा। एक और छत्तीस को जोड़ेंगे तो रूट सैंतीस आ जाएगा। अब ए सी का मान निकालेंगे, यानी सी ए का, सी ए बराबर रूट अंडर सी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा ए एक्स टू वाई टू, एक्स टू कितना है पाँच माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, माइनस दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो का पाँच में से सात घटाएंगे तो माइनस दो, तो माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस दो और प्लस दो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा। चार और जीरो को जोड़ेंगे तो रूट चार ही आएगा, और चार को तोड़ेंगे तो दो गुने दो आ जाएगा, तो दो गो पे एगो निकल जाएगा यानी दो आ जाएगा। तो हमें देखेंगे कि किसी भी कोई भी दो भुजा बराबर है कि नहीं। तो ए बी का मान भी रूट सैंतीस आया और बी सी का मान भी रूट सैंतीस आया, यानी ए बी बराबर है बी सी के, दो भुजा बराबर हो गया, यानी ये बिंदु ए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर है बी सी के, अतः ये बिंदु ए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुए ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चार मित्र है जिसमें जो चार ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, चार बिंदु है ए बी सी और डी है, अ
अब इसको मिला देंगे, इसको ए मान लेंगे, ए है, बी है तथा ये सी और ये डी है। अब इस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ए का मान 3 और 4 तथा बी का 6 और 7 तथा सी का 9 और 4 तथा डी का 6 और 1 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है कि नहीं, और ए बी सी डी एक वर्ग कब होगा, जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होगा और 2 विकर्ण बराबर होगा। तो हम इसकी चारों भुजाएं के बीच की दूरी तथा दोनों विकर्ण, विकर्ण कौन है, ए सी तथा बी डी के बीच की दूरी का मान निकाल कर देखेंगे। पहले ए बी का मान, क्योंकि ए बी बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई वन तथा बी एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो एक्स टू कितना है, 6 माइनस एक्स वन 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो रूट 18 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 को 2 और 1 2 को 3 और 1 2 आएगा। 3 गुने 3 प्लस गुने 2 2 को पर 1 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 रूट में बच जाएगा। अब बी सी का मान निकालेंगे, क्योंकि बी सी बराबर बी और सी में, तब सी एक्स टू वाई टू हो जाएगा तथा बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा। रूट अंडर एक्स टू, एक्स टू कितना है, 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 4 तथा y1 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 कटाएंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 में से 7 गया तो -3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो रूट 18 आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब बी सी का मान निकालिए, उसके बाद सी डी का मान निकालेंगे। सी डी बराबर रूट अंडर एक्स टू, उसी प्रकार डी एक्स टू वाई टू हो जाएगा और सी एक्स वन वाई वन। एक्स टू कितना हो जाएगा, -x1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, फिर एक में से 4 घटाएंगे तो -3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब सी डी, अब डी ए का मान निकालेंगे। डी ए बराबर अभी चारों भुजा निकलते था डी ए, अब ए एक्स टू वाई टू हो जाएगा तथा डी एक्स वन वाई वन हो जाएगा। तो एक्स टू कितना है, 3 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 6 घटाएंगे तो -3
और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट 18 को तोड़ेंगे तो 3√2। अब चारों भुजा का मान निकल गया। अब इसके विकर्ण, विकर्ण कौन है? ए सी और बी डी। अब ए सी और बी डी का मान निकालेंगे। पहले लिख लेंगे ए कितना है, तीन और चार तथा सी 9 और 4 तथा सी 9 और 4 बी 6, 7 और D तथा D 6 और 1। अब विकर्ण का मान ए सी और बी डी का मान निकालना है। हम निकालेंगे चूँकि ए सी बराबर √(x2 − x1)2। x2 कितना है? 9 − x1 = 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 = 4 − 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। 36 को रूट से निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब एक और विकर्ण बी डी का मान निकालेंगे। बी डी बराबर x2 − x1 बी x1 − y1 तथा डी x2 − y2। x2 कितना है? 6 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 − y7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। 0 प्लस 1 में से 7 घटाएंगे तो −6 और −6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब इसको रूट से निकालेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसके चारों भुजाएँ का मान बराबर है, सभी का 3√2 आया है और इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी का मान भी 6 6 आया है, यानी ये ए बी सी डी एक वर्ग है। लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर है डी ए के तथा इसके विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, अतः लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। छठा का एक पहला नंबर, 4 बिंदुए दिया हुआ है, −1, −2, 1 और 0, −1, 2 तथा 1, −3 और 0। अब इसको बताना है कि चतुर्भुज है कि नहीं, और है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हल पहले लिखेंगे, चतुर्भुज बना लेंगे कोई भी एक चतुर्भुज बना लेंगे और इसको ए बी सी डी मान लेंगे। ए बी सी डी
माइनस एक और माइनस दो को ए मान लेंगे तथा एक और जीरो को बी तथा माइनस एक और दो को सी मान लेंगे तथा डी को माइनस तीन और जीरो। अभी चारों भुजाओं के बीच की दूरी का बीच की दूरी निकालेंगे। पहले चूंकि ए बी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, ए एक्स वन वाई वन तथा बी एक्स टू वाई टू। एक्स टू कितना है? एक माइनस एक्स वन माइनस एक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू कितना है? जीरो माइनस वाई वन माइनस दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो का होल स्क्वायर। एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? दो, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, प्लस जीरो और दो को तो जोड़ेंगे तो दो ही आएगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा। चार और चार को जोड़ेंगे तो रूट आठ, और इसको रूट से निकालेंगे तो दो रूट दो आ जाएगा। अब बी सी का मान निकालेंगे। बी सी बराबर बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा सी एक्स टू वाई टू हो जाएगा। एक्स टू कितना है? माइनस एक, और माइनस एक्स वन एक है का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दो माइनस वाई वन जीरो का होल स्क्वायर। माइनस एक और माइनस एक को जोड़ेंगे तो माइनस दो आएगा, और माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, प्लस दो में से जीरो जाएगा तो दो ही होगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, तो रूट आठ आ जाएगा। रूट आठ को रूट से निकालेंगे तो दो रूट दो आ जाएगा। अब सी डी का मान निकालेंगे। चूंकि सी डी बराबर सी को एक्स वन वाई वन मान लेंगे और डी को एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू कितना है? माइनस तीन, और एक्स वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू कितना है? जीरो, प्लस वाई वन दो का होल स्क्वायर। माइनस दो का होल स्क्वायर, और माइनस तीन में से प्लस एक घटाएंगे तो दो आ जाएगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, प्लस जीरो में से माइनस दो जाएगा तो दो ही होगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार को जोड़ेंगे तो रूट आठ आ जाएगा, और रूट से निकालेंगे तो दो रूट दो। अब बच गया डी ए। अब डी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा ए एक्स टू वाई टू हो जाएगा। एक्स टू कितना है? माइनस एक, माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस तीन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू माइनस दो है, और वाई वन जीरो का होल स्क्वायर। माइनस एक में से तीन घटाएंगे तो दो, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा, प्लस माइनस दो और माइनस जीरो को जोड़ेंगे तो माइनस दो ही आएगा, और माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो चार बराबर रूट आठ। अब इसको रूट से निकालेंगे तो दो रूट दो। अब इसके चारों भुजा का मान निकाल लिए। अब इसका विकर्ण का भी मान निकाल लेंगे, ए सी और बी डी का मान भी निकाल लेंगे। ए सी बराबर एक्स टू कितना है? माइनस एक, माइनस एक
और एक्स वन माइनस एक और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू दो है और वाई वन माइनस दो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस दो का होल स्क्वायर। माइनस एक से प्लस एक कट जाएगा तो कितना बचेगा जीरो, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा। दो और दो को जोड़ेंगे तो चार, और चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह, और सोलह को रूट से निकालेंगे तो चार आएगा। था बी डी, बी डी बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस तीन है तथा एक्स वन एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू कितना है जीरो, माइनस वाई वन, वाई वन भी जीरो है का होल स्क्वायर। माइनस तीन और माइनस एक को जोड़ेंगे तो माइनस चार आ जाएगा, और माइनस चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा। और सोलह प्लस जीरो सोलह ही होगा, और रूट सोलह को रूट से निकालेंगे तो चार आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों भुजाएं, चारों भुजाएं का मान दो रूट दो और दो रूट दो है, तथा इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी का मान भी चार चार, यानी दोनों का मान बराबर आया है। चारों भुजाओं का मान भी बराबर है और इसके विकर्ण का मान भी बराबर है। चारों भुजाओं का मान और दो विकर्ण किस में बराबर होता है, वर्ग में लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा इसके विकर्ण तथा ए सी बराबर है बी डी के, और ये किस में होता है तो वर्ग में, वर्ग में इसकी चारों भुजाएं बराबर होता है और दो विकर्ण बराबर होता है। लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है। छठा का ही दूसरा नंबर चार बिंदुए दिया हुआ है, माइनस तीन माइनस पाँच, गेट बंद कौन दही अब छ का दूसरा नंबर में बिंदुए दिया हुआ है चार बिंदुए, पहला मान लेंगे ए है माइनस तीन और पाँच तथा बी तीन कोमा एक तथा सी और डी माइनस एक कोमा माइनस चार। अब इसको भी चारों भुजाओं का मान निकालेंगे तथा दो विकर्ण का मान भी निकाल कर देखेंगे। ए बी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ए और बी में एक्स टू कौन है माइनस तीन, तीन माइनस एक्स वन माइनस तीन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है एक और वाई वन पाँच, यानी माइनस पाँच का होल स्क्वायर। तीन प्लस तीन करेंगे तो छ, और छः का स्क्वायर करेंगे तो छत्तीस, प्लस एक में से पाँच घटाएंगे तो माइनस चार आएगा, और चार का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह ही आएगा, कितना आएगा रूट बावन। अब बी सी का मान निकालेंगे, बी सी कितना है एक्स टू जीरो था एक्स वन तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, तीन माइनस वाई वन एक का होल स्क्वायर। अब जीरो में से तीन घटाएंगे तो तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा प्लस
तीन में से एक घटाएंगे तो दो, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, नौ और चार को जोड़ेंगे तो रूट तेरह आ जाएगा। अब सी डी का मान निकालेंगे। सी डी में सी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा डी एक्स टू वाई टू। एक्स टू, एक्स टू कितना है, माइनस एक, माइनस एक्स वन जीरो का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस चार, माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। माइनस एक में से माइनस जीरो जाएगा तो माइनस एक ही होगा, और माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, प्लस माइनस चार में और माइनस तीन को जोड़ेंगे तो माइनस सात, सात का स्क्वायर करेंगे तो उनचास, बराबर रूट पचास। अब डी ए का मान निकालेंगे। तो डी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा ए एक्स टू वाई टू हो जाएगा। एक्स टू कितना होगा, माइनस एक माइनस वाई वन, एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है, माइनस तीन, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू, एक्स टू, एक्स टू माइनस तीन है, माइनस एक्स वन माइनस एक है, तो माइनस माइनस प्लस एक का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू, वाई टू पाँच है, और वाई वन माइनस चार, ये माइनस माइनस प्लस चार का होल स्क्वायर। माइनस तीन में से एक घटाएंगे तो दो आ जाएगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, प्लस पाँच और चार नौ, और नौ का स्क्वायर करेंगे तो इक्यासी। यहाँ पे देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी ये चतुर्भुज है ही नहीं। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं बी सी तथा सी डी बराबर नहीं है डी ए के, अतः ये चतुर्भुज नहीं है। बीसी का छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मान लेंगे कि ए चार कॉमा पाँच, बी सात कॉमा छ, सी चार कॉमा तीन, था डी एक एक कॉमा दो। अब इसको भी चारे भुजाओं का मान निकाल कर देखेंगे। ए बी बराबर दूरी सूत्र, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है, सात, माइनस एक्स वन चार का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू, वाई टू छः तथा वाई वन पाँच, माइनस पाँच का होल स्क्वायर। सात में से चार घटाएंगे तो तीन, और तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, प्लस छः में से पाँच गया तो एक, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, यानी नौ एक रूट दस आ जाएगा। था चूँकि बी सी बराबर बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा सी एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो एक्स टू कितना है, चार, माइनस एक्स वन सात का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू तीन, माइनस वाई वन छः का होल स्क्वायर। चार में से सात जाएगा तो माइनस तीन, माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, प्लस तीन में से छः गया तो माइनस तीन, और माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ ही होगा, यानी रूट अठारह आ जाएगा। और इसको रूट से निकालेंगे तो तीन रूट दो आ जाएगा। अब सी डी का मान निकालेंगे।
कि सी डी बराबर एक्स सी एक्स वन वाई वन तथा डी एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो एक्स टू कितना है, एक माइनस एक्स वन चार का होल स्क्वायर प्लस वाई टू दो माइनस वाई वन तीन का होल स्क्वायर। एक में से चार जाएगा तो माइनस तीन, और माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, प्लस दो में से तीन गया तो एक, और माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, रूट दस हो जाएगा। तथा अब डी ए का मान निकालेंगे, इसमें डी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा ए एक्स टू वाई टू। एक्स टू कितना है, चार माइनस एक्स वन एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू पाँच माइनस दो का होल स्क्वायर। चार माइनस एक का होल स्क्वायर तीन, तीन का स्क्वायर नौ प्लस पाँच में से दो गया तो तीन, और तीन का स्क्वायर नौ रूट अठारह, यानी तीन रूट दो। अब इसके बिकर्ण का भी मान निकाल लेंगे, बिकर्ण कौन है, ए सी और बी डी। चूँकि ए सी बराबर ए एक्स वन वाई वन तथा सी एक्स टू वाई टू होगा। एक्स टू चार माइनस एक्स वन चार का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन तीन माइनस पाँच का होल स्क्वायर। चार में से चार गया तो जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, प्लस तीन में से पाँच गया तो माइनस दो, माइनस दो का स्क्वायर चार, जीरो प्लस चार चार ही होगा, और चार रूट से निकलेगा तो दो होगा। था बी डी, बी एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा डी एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो एक्स टू कितना होगा, एक माइनस एक्स वन सात का होल स्क्वायर प्लस वाई टू दो था वाई वन छः का होल स्क्वायर। एक में से सात जाएगा तो माइनस छः, माइनस छः का स्क्वायर करेंगे तो छत्तीस, प्लस दो में से छः गया तो माइनस चार, और माइनस चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह रूट बावन। इसका यहाँ पे देखिए बिकर्ण बराबर नहीं है, अलग अलग आया, एक का दो और दूसरा का रूट बावन। तथा इसमें भुजा ए बी और सी डी का मान बराबर आया है तथा बी सी और डी ए का मान बराबर आया है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। क्या ए बी बराबर है सी डी के तथा बी सी बराबर है डी ए के, तथा बिकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के। दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो दो भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है तथा बी सी डी ए के बराबर है, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब सातवां नंबर क्वेश्चन है, बिंदु
बिंदु दिया हुआ है 2 और 5, 2 और -5 तथा एक बिंदु -2 और 9। तो हमें निकालना है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ है, यानी एक रेखा है, मान लेंगे ए और बी एक रेखा है जिसमें ए 2 और -5 है तथा बी -2 और 9 है। समदूरस्थ यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इसके एकदम बीच वाला एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना। मान लेंगे कि पी, मान लेंगे समदूरस्थ कब होगा, जब पी बराबर होगा ए के तथा बी के, दोनों आपस में बराबर होगा तो समदूरस्थ होता है। पी मान लेंगे एक अक्ष पर वह बिंदु, मान लेंगे बिंदु पी एक्स अक्ष पर वह बिंदु एक्स तथा 0 है। माना कि मान लेंगे एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एक्स तथा 0 है। समदूरस्थ कब होगा, जब पी बराबर होगा ए के तथा बराबर होगा बी के, यानी पी ए बराबर होगा पी बी के, ए पी बराबर बी पी। अब दोनों को बराबर करेंगे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, ए और पी, तो ए एक्स वन वाई वन हो जाएगा तथा पी एक्स टू वाई टू। एक्स टू कितना है, एक्स माइनस वाई वन एक्स वन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू 0 माइनस वाई वन माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर। अब बी पी में भी दूरी सूत्र का ही उपयोग करेंगे, बी पी क्या है, एक्स टू वाई टू है तथा बी एक्स वन वाई वन मान लेंगे, तो एक्स टू कितना है, एक्स माइनस एक्स वन माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू 0 को माने से 0 माइनस वाई वन 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 2 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर और दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला पर रखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर, ए कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए, ए कितना है, एक्स 2 ए बी 2 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
जीरो प्लस पाँच को जोड़ेंगे तो पाँच, और पाँच का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस बराबर, इधर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, ए कितना है एक, ए स्क्वायर प्लस टू ए यानी एक्स प्लस बी प्लस बी स्क्वायर दो का स्क्वायर प्लस जीरो में से नौ जाएगा तो माइनस नौ ही होगा, और माइनस नौ का स्क्वायर करेंगे तो इक्यासी इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा अब नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू एक्स गुने दो यानी माइनस चार एक्स प्लस माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो चार प्लस पच्चीस बराबर टू इंटू एक्स इंटू टू को गुना करेंगे तो चार एक्स प्लस दो का स्क्वायर करेंगे तो चार प्लस इक्यासी अब चार एक्स को इधर ले आएंगे माइनस चार एक्स माइनस चार एक्स और चार एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस चार एक्स हो जाएगा बराबर इक्यासी प्लस चार पचासी प्लस पच्चीस और चार को जोड़ेंगे पच्चीस और चार को जोड़ेंगे तो उनतीस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पचासी माइनस उनतीस माइनस चार एक्स कितना हो जाएगा माइनस आठ एक्स बराबर पचासी में से उनतीस घटाएंगे तो छप्पन आ जाएगा अब एक्स को रहने देंगे और माइनस आठ इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा छप्पन बटे माइनस आठ तो माइनस हर में नहीं लगता है तो माइनस अंश में हो जाएगा माइनस छप्पन बटा आठ अब इसको काटेंगे तो सात मरतब में कट जाएगा माइनस सात यानी एक्स का मान कि एक्स बराबर माइनस सात आ जाएगा तो एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था तो माने थे कितना एक्स और जीरो तो मान लेंगे इसीलिए अभीष्ट बिंदु एक्स और जीरो माने थे तो एक्स का मान कितना निकल गया है माइनस सात तो अभीष्ट बिंदु माइनस सात और जीरो हो जाएगा अब आठवां नंबर क्वेश्चन है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी इतना दस मात्रक दिया हुआ है एक रेखा है ए और बी पी और क्यू है पी तथा क्यू इसमें पी दिया हुआ है दो कॉमा माइनस तीन तथा क्यू दस कॉमा वाई तथा इसके बीच की दूरी दस मात्रक दिया हुआ है तो इसके निकालने के लिए P और Q के बीच की दूरी के बराबर 10 मात्रक कर देंगे लिखेंगे चूँकि PQ
बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स वन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू वाई माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर 10 कर देंगे। दोनों तरफ वर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इधर वर्क करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर रखेंगे इसको। ए स्क्वायर, ए कितना है वाई, वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए, ए वाई है बी 3 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y 3 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 100। अब 64 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73। 73 को उधर ले जाएंगे, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 73, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 100 माइनस 73। सौ में से 73 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y फिर 27 उधर प्लस में और इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 27 और 0। अब इससे y का मान निकाल लेंगे तो गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे तो कितना आना चाहिए, जोड़ गुणा कर गुणा करने पर 27 और जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 9 और 3 से करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। दोनों में क्या है, y कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचाएगा y प्लस इसमें 9, फिर माइनस इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो y हो जाएगा, और ये भी प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। और y प्लस 9 तो कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 ये बच जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9, और जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। तो y का दो गो मान निकल गया, एक माइनस 9 और एक 3। नौवां नंबर क्वेश्चन है, यदि क्यू बिंदुओं पी, एक बिंदु दिया हुआ है क्यू 0 और 0.1 और वो बिंदु पी पाँच माइनस 3 तथा आर एक्स कॉमा 6 से समदूरस्थ है।
एक रेखा है पी और आर, समदूरस्थ है यानी इसके बीच में है क्यू, 0 और 1 तथा पी 5 और -3, आर 1 और 6। तो x का मान ज्ञात करना है तथा इसकी दूरियाँ QR तथा PR का मान भी ज्ञात करना है। तो समदूरस्थ है यानी PQ बराबर होगा RQ के। अब दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे PQ। PQ को में देखेंगे PX1Y1 तथा QX2Y2। X2 कितना है? 0 माइनस X1 5 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 -3 दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर RQ। RQ में क्या है? R X1 Y1 है तथा Q X2 Y2 है। X2 माइनस X1 कितना हो जाएगा? 0 माइनस X का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर -X स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 25 को इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस कट ही जाएगा, तो बच जाएगा 16 बराबर -X स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो X स्क्वायर ही होगा, 16 बराबर X स्क्वायर हो जाएगा। अब X इधर स्क्वायर में इधर रूट 16 हो जाएगा बराबर X हो जाएगा, रूट 16 को रूट से निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा प्लस माइनस 4। अब X का मान कितना निकल गया? प्लस माइनस 4। अब इसके दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात करना है। Q और R के बीच का दूरी निकालना है। Q और R कितना है? पहले Q कितना है? 0 और 1 तथा R X और 6, तो X का मान यहाँ पे निकल गया प्लस माइनस 4, X की जगह पर प्लस माइनस 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। QR दूरी सूत्र और कितना होता है? X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। X2 कितना होगा?
प्लस माइनस चार चार माइनस एक्स वन कितना है जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई टू छः तथा वाई वन एक का होल स्क्वायर चार में से जीरो जाएगा तो चार और चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह प्लस छः में से एक जाएगा तो पाँच पाँच का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस को जोड़ेंगे तो रूट इकतालीस आ जाएगा। अब एक बार माइनस वाला लेके बनाएंगे, एक बार प्लस चार लिए थे एक्स का मान, अब माइनस चार लेकर बनाएंगे। एक्स टू कितना है चार, माइनस चार लेंगे अब, माइनस चार माइनस एक्स वन जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई टू छः माइनस एक का होल स्क्वायर बराबर माइनस चार और माइनस जीरो को जोड़ेंगे तो माइनस चार ही आएगा और स्क्वायर करेंगे तो सोलह प्लस छः में से आ जाएगा तो पाँच पाँच का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस जोड़ेंगे तो रूट इकतालीस ही आएगा। अब एक और पी आर का मान ज्ञात करना है। कि बिंदु P कितना है पाँच और माइनस तीन तथा बिंदु और x और छः तो यहाँ पर भी एक बार प्लस माइनस चार लेकर बनाएंगे। लिखेंगे चूँकि पी आर बराबर दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक्स टू कितना है प्लस माइनस चार, एक बार प्लस वाला लेंगे तो पहले चार ले लेंगे चार माइनस एक्स वन पाँच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू छः माइनस वाई वन माइनस तीन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन का होल स्क्वायर चार में से एक गया तो माइनस एक और माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस छः और तीन नौ और नौ का स्क्वायर इक्यासी बराबर रूट बिरासी। अब एक बार एक्स का मान माइनस वाला लेके यानी माइनस चार लेकर बनाएंगे। पी आर बराबर एक्स टू, एक्स टू और माइनस चार लेंगे माइनस चार माइनस एक्स वन पाँच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई टू छः और वाई वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस तीन का होल स्क्वायर माइनस चार माइनस पाँच माइनस नौ और माइनस नौ का स्क्वायर इक्यासी प्लस छः और तीन नौ और नौ का स्क्वायर इक्यासी आएगा तो इसका मान रूट एक सौ बासठ आ जाएगा। एक सौ बासठ को तोड़ेंगे
162 को तोड़ेंगे तो 2 × 4 × 3 आया है, यानी 3 × 4 4 × 3 आया है तो 4 × 2 निकल जाएगा, 3 × 3 रूट 2 यानी 9√2 आ जाएगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु दिया हुआ है एक्स और वाई। एक्स और वाई दिखाना है कि 3 और 6 बिंदु 3 और 6 तथा बिंदु −3 और 4 से समदूरस्थ है कि नहीं। मान लेंगे एक रेखा ए और बी है तो एक्स वाई को बिंदु पी मान लेंगे, पी एक्स और वाई। अब इसको समदूरस्थ दिखाना है, समदूरस्थ कब होगा जब पी ए बराबर होगा बी पी के, यानी ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। अब इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, ए पी ए कितना है 3 और 6 तथा बी −3 और 4। ए पी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू कितना है ए और पी में, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है वाई माइनस वाई वन 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब बी पी में दूरी सूत्र लगाएंगे, बी और पी में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू कितना है एक्स माइनस एक्स वन माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है वाई माइनस वाई वन 4 का होल स्क्वायर। अब वर्ग करके दोनों रूट को हटा देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 3 यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर रखेंगे, ए स्क्वायर कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए, ए कितना है एक्स बी 3 प्लस बी का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी ए एस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी 6 का स्क्वायर। इधर नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ पे कर लेंगे, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स
प्लस बी इंटू बी, तीन प्लस बी का स्क्वायर तीन का स्क्वायर बराबर प्लस प्लस वाई माइनस चार का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी चार प्लस बी का होल स्क्वायर चार का एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स प्लस तीन का स्क्वायर नौ प्लस वाई स्क्वायर माइनस बारह वाई प्लस छ का स्क्वायर छत्तीस। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन दो छ एक्स प्लस तीन का स्क्वायर नौ प्लस वाई स्क्वायर माइनस आठ वाई प्लस चार का स्क्वायर सोलह यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा और क्या कटेगा नौ से नौ कैंसिल हो जाएगा तथा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और कुछ नहीं कटने वाला है। लिख देंगे माइनस छः एक्स माइनस बारह वाई प्लस छत्तीस बराबर छः एक्स माइनस आठ वाई प्लस सोलह। छः एक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस छः एक्स माइनस छः एक्स यानी माइनस बारह एक्स माइनस बारह एक्स और आठ वाई उधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस चार वाई हो जाएगा और छत्तीस और छत्तीस इधर और सोलह उधर है तो सोलह इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा छत्तीस में से सोलह जाएगा तो प्लस बीस। तो हमें इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात नहीं करना है सिर्फ संबंध बताना है। यहाँ पे चार कॉमन ले सकते हैं पहले माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस चार कॉमन ले लेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा माइनस पाँच बराबर जीरो। और माइनस चार उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस पाँच बराबर जीरो हो जाएगा। इतना ही करके हमें छोड़ देना है एक्स और वाई में संबंध बता देना है।